मैजिकल मिनी मैच बॉक्स। कई साल पहले रतनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बड़ा मैच बॉक्सेस तैयारी करने वाला एक फैक्ट्री था। उस फैक्ट्री में कई तरह के मैच बॉक्स बनाते थे। उस फैक्ट्री में दामोदर नाम का एक आदमी काम करता था। वह हर रोज कुछ खाली मैच बॉक्स के डिब्बे घर ले जाकर अपना बेटा सूरज को देता था। उन्हें लेते हुए सूरज बोला, अरे वाह पापा, मैं इन मैच बॉक्सों के साथ कुछ न कुछ बनाऊंगा। सूरज उन खाली डिब्बों के साथ कई तरह के खिलौने जैसे कि कार, जीप, ट्रैक्टर, बस, ट्रक बनाता था और उन्हें स्कूल ले जाकर अपने दोस्तों को भी देता था। एक दिन सूरज मैच बॉक्स बस बनाता है और उसे स्कूल ले जाकर क्लास के बाहर छोड़ देता है। स्कूल खत्म होने के बाद देखा तो वहाँ पर बस नहीं था। अरे मेरा बस खिलौना यहाँ नहीं है, लगता है कोई उसको चुरा लिया है, मैं जाकर ढूंढता हूँ। ऐसा सूरज स्कूल के बाहर इधर उधर ढूंढने लगा। फिर अचानक उसका मैच बॉक्स बस बिना खींचे उसके ही तरफ आती रहती है। जब उसने उस खिलौने को ऊपर उठाकर देखा तो वह चौंक जाता है। उस बस के अंदर दो लिलीपुट्स थे। आप कौन हैं और मेरे बस में क्या कर रहे हैं? सूरज, हम जादुई लिलीपुट के देश से हैं, लेकिन हम बहुत तकलीफ में हैं। हमारी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। आखिर क्या हुआ, जरा बोलो तो सही। नहीं, आपको हमारे देश आना ही होगा, तभी आपको हमारा दुख पता चलेगा। ऐसा उस बस के पीछा करते हुए सूरज लिलीपुट राज में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखा तो वहां के राज्य के लोगों को पानी पीने के लिए तड़प रहे थे। उनके पास नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खेती करने के लिए भी पानी नहीं था। तभी उस राज्य के राजा वहां पर आया। सूरज, मैंने ही आपको इधर लाने के लिए मेरे राज्य वालों को भेजा है, क्योंकि आपको तरह तरह के मिनी वाहन बनाना आता है ना, इसीलिए आपको ही कुछ तरीके निकाल कर हमें मदद करना है। सूरज से उनका दुख देखा नहीं गया। तुरंत वह एक आइडिया निकालता है। राजा जी, मैं कुछ न कुछ करके मिनी मैच बॉक्स के साथ कुछ वाटर टैंक, लॉरी बना दूंगा, लेकिन इधर से नजदीक कोई नदी है क्या? बेटा, इधर से कई किलोमीटर दूर एक नदी है, लेकिन उसका सारा पानी समुद्र में चली जाती है। ये बात सुनते ही सूरज मैच बॉक्स के साथ कुछ वाटर टैंकर्स, लॉरी, वाटर बोरिंग ड्रिलिंग ट्रक्स और कार्स, बसेस सभी बनाता है। उस टैंकर्स के साथ पानी नदी से लेकर लिलीपुट के राज्य में पहुंचाया। पानी देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। राजा जी, मैं आपके राज्य में डैम्स, रिजर्वायर्स का निर्माण भी करूंगा, आपको आगे जाकर पानी की कमी नहीं होगी। राजा उसके काम से बहुत खुश होकर बहुत सारा सोना और हीरे देता है, जिसे वह घर लाकर अपने पापा के साथ खुशी खुशी से रहने लगा। लालची रसगुल्ला वाला राजेश गली गली जाकर अपनी साइकिल पर रसगुल्ले बेचता था। उसके रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट थे, लोग उसके आने का इंतजार किया करते थे। अरे भाई राजेश, आज तो बड़ी देर कर दी आने में, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अब जल्दी से दो प्लेट रसगुल्ले खिला दो। हाँ भाई, अभी लो। इस तरह राजेश दूर दूर तक साइकिल पर रसगुल्ले बेचने जाता था और लोग उसके रसगुल्ले खुशी खुशी खाते। उसकी कमाई तो अच्छी थी, पर अपनी कमाई से वह संतुष्ट नहीं था, वह और पैसा कमाना चाहता था। अरे इस तरह गली गली घूम के पैसा कमाने में कोई मजा नहीं है, मजा तो तब है जब मेरी अपनी दुकान हो और मैं वहाँ पर रसगुल्ले बेचूं। एक उपाय है मेरी नजर में। क्या उपाय है तुम्हारे पास? आपके रसगुल्ले सब बहुत खुश होकर खाते हैं, कब से आपने दाम भी नहीं बढ़ाए, थोड़ा दाम दुगना कर दीजिए और फिर देखिए
फायदा भी दुगना ही होगा। हाँ तुम ठीक कहती हो, मैं ऐसा ही करूँगा। अब से 5 रुपए का नहीं 10 रुपए का एक रसगुल्ला बेचूंगा। राजेश ने वैसा ही किया, लेकिन जब सब लोग रसगुल्ले के दाम पूछते तो वो सकते में आ जाते कि अरे एकदम से दाम दुगने कैसे हो गए। अरे राजेश, तुमने अचानक रसगुल्ले के दाम बढ़ा दिए। और बढ़ाए तो ठीक, लेकिन 1-2 रुपए बढ़ा देते, तुमने तो ठीक दुगने ही कर दिए भाई, ये ठीक नहीं है। अगर तुम्हें महंगे लग रहे हैं तो मत खरीदो, मेरे पास तो बहुत ग्राहक हैं भाई। और कुछ ही दिनों में उसके रसगुल्लों की बिक्री लगभग आधी रह गई। अरे यह क्या हो गया, मैंने तो सोचा था मेरा लाभ दुगना होगा, लेकिन यहाँ तो बिक्री भी आधी हो गई। ये तो बड़ा नुकसान हो गया जी, लोगों ने रसगुल्ले खरीदने ही बंद कर दिए, मुझे ऐसा नहीं पता था। वो तो ठीक है, पर अब क्या करें? करना क्या है, आप अपने रसगुल्लों के दाम फिर से कम कर दीजिए, हो सकता है सभी ग्राहक फिर से वापस आ जाएं। ज्यादा कमाई के लालच में जो आ रहा था उसे गवाना कोई समझदारी भी तो नहीं। हाँ तुम ठीक कहती हो, अब से मैं कभी दाम नहीं बढ़ाऊंगा, इसी दाम पर हमेशा रसगुल्ले प्यार से बेचूंगा। और दाम घटाते ही उसकी बिक्री फिर से बढ़ गई और उसके खोए हुए ग्राहक फिर से वापस आ गए। इसीलिए तो कहते हैं कि किस्मत में जितना लिखा है हमें उतना ही मिलेगा। चतुर भाई। राम और श्याम की शादी हो चुकी थी, दोनों भाई एक ही घर में रहते थे, लेकिन आए दिन उनकी पत्नियां आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा करती थी। मेरा पति बड़ा है, घर का मुखिया वही है। देखो दीदी, बहुत हुआ, ये इस तरह से रोब मारना बंद करो, हम छोटे हैं तो क्या हुआ, बराबर की कमाई करता है मेरा पति, इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, समझ गई? और अगर मुझे ज्यादा परेशान किया तो पुलिस बुला लूंगी। इस तरह की लड़ाइयाँ हर रोज होती रहती थी। अब दोनों भाइयों में भी मन मुटाव रहने लगा। तो एक दिन राम सरपंच के पास जाता है और सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मेरे घर का माहौल दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, हम दोनों की पत्नी आपस में खुशी खुशी रहने को तैयार ही नहीं, हम दोनों भाई साथ रहना तो चाहते हैं, मगर आप समझ रहे हैं ना? सरपंच अगले ही दिन उसके भाई श्याम से मिलता है और पूछता है, क्यों भाई श्याम, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है, कल मेरी मुलाकात राम से हुई, वो काफी परेशान था, तुम क्या कहते हो? अरे अरे, वो राम की बातों में मत आइए आप, बहुत चालाक है मेरा बड़ा भाई, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूँ, वो बहुत कमीना है, उसके मन में लोभ है, ईर्ष्या है। सरपंच समझ जाता है कि दोनों भाई एक साथ रहना नहीं चाहते और छोटा भाई बहुत ज्यादा चतुर भी है। सरपंच उनके घर जाता है और उनके घर का बंटवारा कर देता है, लेकिन उनके घर में बस एक ही गाय थी। सरपंच को समझ नहीं आता कि वो एक गाय का बंटवारा कैसे करे। इतने में श्याम बोलता है, अरे सरपंच जी, इसमें क्या बड़ी बात है, एक ही घर की बात है ना, आगे का हिस्सा बड़े भैया का और पीछे का हिस्सा मेरा, बोलिए ठीक है ना? चतुर भाई के ऐसा कहने पर राम हामी भर देता है। श्याम गैया का दूध निकालता है और दूध घी और दही खाता है। यह देखकर राम हैरान रह जाता है। राम को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन राम समझ नहीं पाता कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि वो अपने भाई को सबक सिखा सके। राम की पत्नी बहुत समझदार थी, अगले दिन वो गाय को चारा ही नहीं डालती। शाम हो जाती है, उसकी देवरानी बहुत देर तक दूध निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दूध ही नहीं देती है गाय। हाय राम, आज तो गैया दूध ही नहीं दे रही, अजी सुनते हो? क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? आज तो गैया ने दूध ही नहीं दिया, लगता है बड़ी भाभी गैया को कुछ खिलाती नहीं, आगे का हिस्सा तो उनका है ना? तभी जेठानी बाहर आती है और देवरानी से कहती है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, इतनी चतुराई तुमने उस दिन दिखाई कि पिछला हिस्सा हमें दे दो, तो याद रखो जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तब तक इसे मैं चारा देने वाली नहीं, तो फिर
दूध कहाँ से देगी? अब श्याम और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोनों जेठानी और राम से माफी मांगते हैं और इस तरह प्यार मोहब्बत के साथ एक बार फिर राम और श्याम की पत्नियां गले लग जाती हैं। राम और श्याम भी गले लग जाते हैं और फिर से एक बार सभी परिवार वाले एक साथ रहने लगते हैं। बांस का ट्रक। चांदपुर में राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता चांदपुर की फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे। राजू बहुत शरारती था। वो हमेशा कुछ ना कुछ खुराफाती हरकत किया करता था। एक बार राजू ने अपने पिताजी को शेविंग करते हुए देखा और वो उनकी शेविंग क्रीम को अपने ब्रश में लगाकर उससे ब्रश करने लगा। जब उसके मुंह से झाग निकलने लगी तो वो रोते रोते अपनी माँ के पास गया। माँ देखो ना मुझे क्या हुआ। राजू की माँ उसके मुंह से झाग निकलते हुए देखकर डर गई। अरे अरे राजू, ये क्या मुसीबत बोल ले ली तूने? ये क्यों झाग निकल रहा है? कुछ बताएगा या यूं ही रोता रहेगा? हाँ, राजू ने जब अपनी माँ को सारी बात बताई तो उसकी माँ ने उसकी खूब डांट लगाई। राजू चांदपुर के स्कूल में पढ़ता था। उसी स्कूल में चंदू नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। इसके पिताजी फैक्ट्री में मैनेजर थे। चंदू दिल का बहुत अच्छा था। वो अपने खिलौने के साथ सभी बच्चों के साथ मिलकर खेला करता था। ये देखकर राजू चंदू से बहुत जलता था। आ गया अपने खिलौने लेकर, अब सभी बच्चे उसके साथ खेलेंगे। पता नहीं किस बात का घमंड दिखाता है यहाँ पर ये चंदू। एक दिन चंदू अपना एक खिलौना बड़ा ट्रक लेकर आया। उसे देखकर सारे बच्चे खुश हो गए और चंदू से ट्रक खेलने के लिए मांगने लगे। चंदू, हमें भी अपने ट्रक के साथ खेलने दो ना, हमें भी इसमें बिठाओ ना। हाँ, क्यों नहीं, आओ हम सब बैठकर इसमें खेलते हैं। और सभी बच्चे मिलजुल कर चंदू के ट्रक के साथ खेलने लगते हैं। लेकिन राजू अपनी आदत के अनुसार उससे चिढ़ गया और कहने लगा, मेरे पास तो इससे भी अच्छा ट्रक है। सभी बच्चों ने राजू से कहा, तो ठीक है, कल अपना ट्रक लेकर आना। राजू ने घर आकर अपनी पुरानी साइकिल पर अपने आंगन में पड़े बांस से एक ट्रक की बॉडी बना ली और उसे अपनी साइकिल पर फिट कर दिया। देखने में तो वो एक बांस का ट्रक लग रहा था, लेकिन वो मजबूत नहीं था। अगले दिन वो उसके अंदर बैठकर सभी बच्चों को दिखाने के लिए ले आया। सभी बच्चों ने राजू की कारीगरी की तारीफ की। अपनी तारीफ सुनकर राजू को घमंड आ गया और उसने चंदू को अपने ट्रक के साथ रेस लगाने के लिए कहा और चंदू और राजू दोनों के ट्रकों की रेस शुरू हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद चंदू का ट्रक आगे निकल गया, लेकिन राजू का बांस का ट्रक उसके साइकिल के ऊपर से खुलकर पूरी तरह बिखर गया और जो बाकी रह गया वो थी चंदू की पुरानी साइकिल। ये देखकर सभी बच्चे हंसने लगे। राजू की हालत देखो, अरे इसका चेहरा तो देखो कैसे लाल हो गया है, सारी मेहनत बर्बाद हो गई राजू। तब चंदू ने राजू को समझाया, राजू हम सब मिलकर खेलते हैं, तभी तो मैं सारे खिलौने यहाँ सबके लिए लाता हूँ। चलो आओ तुम भी हमारे साथ खेलो ना, हम सब दोस्त हैं, हमें मिलकर खेलना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए मेरे दोस्त। अब राजू समझ चुका था कि हमें किसी से जलना नहीं चाहिए। तीन सर वाली जादुई मुर्गी। गोपी और उसकी पत्नी मुर्गियां पाला करते थे। उन्हें पालते, उनके अंडों को गांव-गांव, शहर-शहर जाकर बेच दिया करते थे। गोपी का एक बेटा था चंदा। चंदा बहुत प्यारा था और उसे हर समय मुर्गियों के साथ खेलने में बहुत मजा आता था। धीरे धीरे अंडों के कारोबार के साथ साथ उसके पिता ने मुर्गियों को बेचना भी शुरू कर दिया। इस बात से अब चंदा बहुत खामोश और निराश रहने लगा। एक दिन उसने सोचा, ये सब मेरे दोस्त हैं, इस तरह से तो सभी मुर्गियां एक एक करके मुझसे दूर हो जाएंगी, मैं कैसे रहूंगा, मुझे माँ से बात करनी चाहिए। चंदा अपनी माँ के पास जाता है और अपने दिल की बात कहता है। उसकी माँ उसे समझाती है, अरे मेरे लल्ला कैसी बातें करता है, अरे हमारा तो व्यापार ही ये है, अंडे बेचना, मुर्गियां बेचना, अब अगर यही बंद कर देंगे तो घर कैसे चलेगा, और तुझे तो बड़ा अफसर बनना है, जब तू बड़ा होके बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा अफसर बन जाएगा ना, तब देखना ये सारे काम हम बंद कर देंगे। हाँ चल जा, अपना दूध पी और सो जा। अपनी माँ की बात से चंदा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। वो रात में उठता है और एक मुर्गी का ढांचा बनाता है। दो सर बनाकर एक अपनी पसंदीदा मुर्गी के सर के अगल बगल लगा देता है और अगले दिन शोर मचा कर कहता है, अरे माँ देखो देखो, ये तो तीन सर वाली मुर्गी है,
लगता है जादू है, अब हम इसे नहीं बेचेंगे, अब मैं इसके साथ खेलूंगा। गत्ते के बने हुए टूटे फूटे सरों को देखकर चंदा के माता पिता समझ जाते हैं कि चंदा उनके साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। लेकिन उसका दिल रखने के लिए उसकी माँ अपने पति को इशारा करके कहती है, सुनो जी, मैं समझ गई हूँ, ये इतना बड़ा नाटक इसीलिए कर रहा है कि कम से कम एक मुर्गी दोस्त इसकी बच जाए। अपने बच्चे के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, आप भी यही दिखावा करो कि ये सच की मुर्गी है जो उसके तीन सर हैं और आप इसे नहीं बेचोगे, वादा करोगे ना? हाँ हाँ ठीक है, अपने बच्चे के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। दोनों पति पत्नी इस तरह का दिखावा करते हैं कि जैसे वो जानते हैं कि मुर्गी सच में तीन सर की है और जादुई है, लेकिन फिर भी वो उससे डरते हैं और उसे अपने घर से बाहर जाने ही नहीं देते। और इस तरह अब चंदा अपनी प्यारी मुर्गी दोस्त के साथ हमेशा के लिए खुश रहता है। देखा मुर्गी, मैंने तेरी जान बचाई, थोड़ा झूठ बोलना पड़ा, पर क्या करूं, दोस्ती के लिए ये बहुत जरूरी है ना।